और सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। उद्घाटन समारोह की ये सीधी तस्वीरें देखिए, क्या कुछ खासियत है वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का एक खास सेक्शन जिसका उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करने के लिए वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं। किस तरह से बदलाव यहाँ पर किए गए उसकी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कैसे इस बात को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जब नाम बदला गया है, नाम में बदलाव किया गया है, तो वो बहुत बेहतर है क्योंकि जाहिर तौर पर कर्तव्य पथ उस सड़क का उपयुक्त नाम माना जा रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचती है। ये सड़क 3.5 किलोमीटर लंबी, ये तस्वीरें इस वक्त की सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं, उस कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, जिसकी कुछ महीनों पहले होलोग्राम मूर्ति का यहाँ पर अनावरण उनकी ओर से किया गया था। और अभी फिलहाल की ये सीधी तस्वीरें, कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पूरी जो तैयारियां की गई थी लगभग 19 महीने की तैयारियों के बाद ये दिन सामने आए। हालांकि नाम बदलने को लेकर के पहले कोई बहुत पब्लिक डोमेन में ऐसी खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ आपसे 3 दिन पहले, उसके बाद लगभग ये स्पष्ट हो चुका था कि राजपथ का नाम अब बदला जा रहा है और नया नाम होगा इसका कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित उससे जुड़ी हुई जितने भी प्रतीक थे उनको खत्म करने की बात की गई थी और उसी दिशा में ये एक और कदम है। और सबसे खूबसूरत पल उसमें वो था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति का, एक शानदार मूर्ति का अनावरण किया, प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक ग्रैंड कैनोपी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया और वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का पूरा जो खंड है, जो पूरा क्षेत्र है, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। एनडीएमसी ने ये प्रस्ताव दिया था और एनडीएमसी के प्रस्ताव के मुताबिक कर्तव्य पथ में जो पूर्ववर्ती राजपथ था या जो सेंट्रल विस्टा लॉन था, इसको शामिल किया गया। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर बोस, नेताजी के प्रपोत्र हैं वो, उनका हम रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बोस साहब आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये लंबा इंतजार जो देश ने किया वो आज आखिरकार खत्म हुआ है। आज जब सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा, उसका अनावरण यहाँ पर इंडिया गेट के नजदीक कर दिया गया, सर आपकी किस तरह की भावनाएं इस वक्त हैं? नमस्कार, जय हिंद। मैं शरद चंद्र बोस की ग्रैंडसन हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रैंड नेफियो हूँ, चंद्र कुमार बोस जी। देखिए, आज बहुत खुशी के दिन है। काफ़ी सालों से एक दावा, खाली बोस परिवार के पक्ष से नहीं, साधारण जो देश की जनता है उनका भी एक दावा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली राजपथ में होना चाहिए। आईएनए वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स सिग्नेचर कैंपेन किया था काफी सालों से। ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये डिसीशन लिया कि हाँ, राजपथ इंडिया गेट का सामने जो खाली कैनोपी पड़ा है 1968 से खाली पड़ा है, जहां पहले किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू रहते थे जी। उसको हटाया गया और ये खाली पड़ा था। किस कारण खाली पड़ा था ये भी प्रश्न आ रहे सामने। काफी नेशनल आइकन्स का नाम भी पहले सुनाया था जो उनका मूर्ति उधर स्थापित किया जाएगा, मगर नहीं हुआ। तो ये स्थान शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो लिबरेटर ऑफ इंडिया है उनके लिए ही शायद खाली पड़ा था। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं और शायद ही देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो इस बात से ना इत्तेफाकी रखेगा कि नेताजी की प्रतिमा को वहां नहीं होना चाहिए। इस बात से कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा सर। मेरा सवाल ये भी है सर कि ये कहा गया कि गुलामी की किसी भी निशान को देश में रहने नहीं देना है और उसी निशान को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया गया, जो कि जो अब तक राजपथ जिसको कहा जाता था अब उसको कर्तव्य पथ कहा जाने लगा है। और ये कहा जा रहा है कि सबसे एक कारगर कदम के तौर पर देखा जाएगा कि जो रास्ता विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सत्ता तक जाता है, उसके शीर्ष तक जाता है, उसका नाम राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ होगा।
इस बात को आप ठीक मानते हैं सर? देखिए, हम रोड बा कोई रास्ते के नाम का परिवर्तन को हम समर्थन नहीं करते हैं, मगर जहां पर रेलेवेंट है, जहां करना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए। तो ये जो राजपथ का नाम चेंज हुआ है, मगर हमने सजेशन दिया था, जो सेंट्रल कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, मैं उन कमेटी का एक सदस्य हूँ, तो हमने सजेस्ट दिया था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति का सामने जो रास्ता है वो राजपथ से चेंज करके आजाद हिंद पथ होना चाहिए। मगर कोई बात नहीं है, केंद्रीय सरकार ने जो डिसीशन लिया है हम लोग समर्थन करते हैं, चेंज होना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य का जो 200 साल का जो अत्याचार था वो सामने आना चाहिए, और अभी भारत परिवर्तन हो रहे। मगर और एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सही सम्मान, स्टैचू बना है, म्यूजियम बना है, काफी काफी एक्शन एनडीए सरकार मोदी जी का नेतृत्व में लिया है। मगर एक चीज जो अभी करना है, जो बाकी रह गया, ये आज नेताजी का जो आदर्श है वो 100% रेलेवेंट है। देखिए, काफी लोग आजादी का लड़ाई में शामिल हुए थे, मगर आज की तारीख में उतना रेलेवेंस नहीं है उनका। बट नेताजी का जो रेलेवेंस है, सब धर्म को एक करके भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था उनका आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में। आज देश में हम क्या देख रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति हो रहे, विभाजन का राजनीति हो रहे, पोलराइजेशन का राजनीति हो रहे, इसके खिलाफ लड़ाई करने का समय आ चुका है। और एकमात्र रास्ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श। तो हम आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी इज अ वेरी टॉल लीडर, उनको ये वार्ता देना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे काम किया, आज नेताजी को स्टैचू अनवेल किया इंडिया गेट का सामने, मगर नेताजी को आदर्श अपनाइए। उनका जो सब धर्म को उन्होंने एक बनाया था, जो अखंड भारत का रास्ता उन्होंने दिखाया था, उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था अखंड भारत की। 15 अगस्त मेरा पहले हमको बोला गया था, 15 अगस्त को ठीक है, शरद चंद्र जी होगा। मैं हम लोग वापस आपके पास सर, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं।